नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार से दिल्ली जाने के लिए ऐसे तो ट्रांसपोर्ट के कई साधन हैं, लेकिन कई लोग हैं जो सड़क के रास्ते दिल्ली जाने में रुचि रखते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। पटना से बक्सर के बीच बन रहे फोरलेन सड़क परियोजना का 2/3 हिस्सा मार्च तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बक्सर से कोइलवर तक फोरलेन सड़क का निर्माण अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। हालांकि ये निर्माण कार्य इस साल ही पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन कोविड-19 के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ, जिसके बाद अब अगले साल के मार्च तक इसे पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत बक्सर आरा राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर बक्सर से कोइलवर के बीच फोरलेन सड़क निर्माण कार्य हो जाने से आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बक्सर से कोइलवर के बीच लगभग 92 किलोमीटर की दूरी में फोरलेन सड़क का निर्माण हो रहा है, जिसमें 11 किलोमीटर का ही काम बचा रह गया है। कुछ ऐसी जगह है जहां पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते इसका समय मार्च तक बढ़ा दिया गया है। काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके बाद काम जल्द से जल्द पूरा हो इसको लेकर रात में भी निर्माण कार्य हो रहा है। बक्सर से कोइलवर सड़क निर्माण में 1507 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सड़क में आने वाले पुल पुलिया और बक्सर से बलिया के बीच गंगा नदी के ऊपर पुल निर्माण का काम सिंगला कंपनी कर रही है। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार जो जमीन पर सड़क का निर्माण बचा हुआ है, उस जमीन पर मिट्टी भराई भी करनी है। फिलहाल और जमीन पर धान की फसल लगी हुई है और फसल कटते ही उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं गंगा नदी के ऊपर बनने वाले पुल का काम सिंगला कंपनी कर रही है। गंगा नदी के ऊपर पुल निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अगले साल के जून महीने तक गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल निर्माण का काम पूरा होने के आसार जताए जा रहे हैं। फोरलेन के बन जाने से आरा बक्सर होते हुए लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पटना से लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और दिल्ली जाना और भी आसान होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फोरलेन पटना बक्सर फोरलेन परियोजना का हिस्सा है। पटना में बिहटा तक भूमि अधिग्रहण में पेंच के कारण अब वो नए सिरे से बिहटा के बाद एलिवेटेड रोड की मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक बक्सर से कोइलवर तक बेहद खूबसूरत सड़क पर लोग फर्राटा भर सकेंगे। सड़क के बीच में 2 डिवाइडर बनाया जा रहा है, जिसके बीच में ग्रीन एरिया होगा और खूबसूरत पौधे हरियाली का एहसास कराएंगे। जानकारों की माने तो बक्सर से कोइलवर तक की दूरी तय करने में 2 टोल प्लाजा होंगे, जहां से गुजरने पर टोल शुल्क देना होगा। इसके साथ ही शुल्क कितना होगा ये फिलहाल तो तय नहीं किया गया है, लेकिन टोल प्लाजा फास्टैग तकनीक से लैस रहेंगे। टोल प्लाजा बक्सर के पास और दूसरा कोइलवर से आरा के बीच बनेगा। टोल प्लाजा का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। परियोजना प्रबंधक एम चीनी कृष्णा की माने तो मात्र 11 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का काम बाकी है, जो मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।